ओके गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाला है यहाँ पर काकरोच को, है ना। काकरोच को हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा, है ना, तिलचट्टा, या इसी को कहते हैं काकरोच। काकरोच या इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में देखें, जूलॉजिकल नेम में, तो क्या कहते हैं, पेरेंटा अमेरिकाना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना कहते हैं इसको जूलॉजिकल नेम। अब यहाँ पर ध्यान दो इसके बारे में, इधर इधर बस बात नहीं। देखिए तिलचट्टा या काकरोच या जो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करें ये किस संघ का है, तो ये जो है संघ आर्थ्रोपोडा का है, है ना, संघ आर्थ्रोपोडा का है। फिर इसके बाद में आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये सबसे बड़ा संघ होता है, आर्थ्रोपोडा संघ ये जो है आपका क्या होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये सबसे बड़ा संघ होता है। सर सबसे बड़ा संघ होता है या इस संघ का सबसे बड़ा ये कीट होता है? नहीं, संघ का सबसे बड़ा जंतु होता है और ये जंतु होता है कीटों का संघ होता है। जी सर, ये होता है आपका कीटों का संघ भी इसको कह सकते हो आप, है ना। पूरा कीटों के ही बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। फिर बात करें जैसे वर्ल्ड में सबसे अधिक किन की संख्या, तो वर्ल्ड में सबसे अधिक इंसेक्ट्स मतलब कीटों की ही संख्या होती है, है ना। फिर अब आता है ये किस वर्ग में आता है, तो इंसेक्टा, इंसेक्ट मींस कीट होता है, तो ये आता है आपका इंसेक्टा वर्ग में आता है। इंसेक्टा किस वर्ग में आता है, तो इंसेक्टा आता है आपका इंसेक्टा वर्ग में आता है ये चीज। फिर इसके बाद में आता है कि चलो इंसेक्टा वर्ग में आता है, ये कैसा जंतु है, एक कोश के जंतु या बहुकोश के जंतु है, तो ये कैसा जंतु है, ये आपका बहुकोशीय जंतु है। बहुकोशीय जंतु का मतलब यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो ये आपका यूकैरियोटिक है, है ना। कोशिका में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। दूसरा नंबर इसके पैर कैसे होते हैं, तो जॉइंटेड होते हैं, है ना, मतलब संधित, संधित पाद होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, है ना, जॉइंटेड उपांग, उपांग होते हैं या जॉइंटेड खुद, जॉइंटेड उपांग आप बोलते, तो यहाँ पर जॉइंटेड होते हैं, क्लियर है ना। फिर इसमें आता है कि अच्छा कीट वर्ग है, तो कीटों का अध्ययन एक कुछ किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी कहलाता है। एंटमोलॉजी मीन्स होता है कीटों का अध्ययन। और एक चीज यहाँ से आप याद करो कि कीटों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, एंटमोफिली या एंटीमोफिली कहते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं, कीटों द्वारा परागण की क्रिया को कहते हैं एंटीमोफिली कहते हैं, है ना। चलो ये चीज आपका हो गया, तो यहाँ से इतनी ये सारी चीजें क्लियर है ना, इसका वैज्ञानिक नाम। अच्छा ये कैसा जंतु होता है आपका भूमि, अच्छा एक और क्वेश्चन होता है वो जीएस टाइप का होता है कि कौन से जंतु, कौन से कीट का खून सफेद होता है, तो इसी का खून, है ना, तिलचट्टा का, इसका खून जो होता है ना वो सफेद होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, क्या वो हीमोसाइनिन पाया जाता है हीमोग्लोबिन के। अच्छा सममित कैसा होता है, तो इसमें द्वि पार्श्व सममित होता है, ये आपका होता है द्वि पार्श्व सममित होता है, द्वि पार्श्व सममित होता है आपका ये चीज, है ना, जो सिमेट्री होती है इसमें वो द्वि पार्श्व सममित पाई जाती है, ठीक। फिर इसके बाद अगर पूछ लिया जाए इसमें जो है कितनी जोड़ी पंख पाए जाते हैं, क्या इसमें पंख पाए जाते हैं, तो कितनी जोड़ी पंख पाए जाते हैं, तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं कि तीन जोड़ी पंख पाए जाते हैं, दो जोड़ी पंख, हाँ तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं, है ना, ये होता है इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, मतलब छह पैर होते हैं, पाद होते हैं, है ना, लेकिन पंख कितने जोड़ी होते
दो दो जोड़ी पंख होते हैं, दो जोड़ी पंख होते हैं ना। फिर अगर ये पूछ लिया जाए किस जगत का है, तो ये किस जगत का है, तो ये एनिमेलिया, एनिमेलिया का मतलब होता है जंतु जगत का है, एनिमेलिया किंगडम का है, ये जो है जंतु जगत का है ना। ये हो गया किसमें, जंतु जगत में हो गया। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए इसमें देह गुहा कैसी पाई जाती है, वो अस्तरिक देह गुहा होता है ना। इसमें जो देह गुहा होती है वो कैसी होती है, वास्तविक देह गुहा होती है ना, वास्तविक देह गुहा होता है ठीक। और इसके बाद में शरीर कैसा होता है, खंडों में क्या शरीर इसका विभाजित रहता है, तीन खंडों में शरीर होता है, खंड युक्त शरीर होता है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, खंड युक्त शरीर। और किस में डिवाइड रहता है, हेड में, उधर में, थोरैक्स में, हेड का मतलब सिर है ना, और थोरैक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब होता है उधर, पेट या उधर, और थोरैक्स का मतलब क्या होता है, वच, सिर, वच, वच और उधर। इसका शरीर तीन भाग में डिवाइड रहता है, सिर, वच और उधर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें देह गुहा कैसी होती है, वास्तविक देह गुहा होती है। इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो किससे बना होता है, हाँ, तो जो बाह्य कंकाल होता है ये बना होता है काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल किससे, किसका बना होता है, काइटिन का होता है। काइटिन एक प्रकार का क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है ना। फिर इसके बाद में आगे आए जी, अगर बात करें इसका जो है उपवर्ग क्या, इसमें जो है ट्राइलोबाइटा, हाँ, उपवर्ग जो होता है आपका टेरिगोटो, टेरिगोटा होता है, लेकिन ये नहीं होता। एक ये देख लो इसका गढ़ देख लो, गढ़ मतलब आर्डर क्या होता है, तो इसका आर्डर क्या होता है, बोलो, आर्थ्रोप्टेरा होता है इसका गढ़, मतलब आर्डर होता है, आर्थ्रोप्टेरा होता है। और अब यहाँ पर आता है कि तिलचट्टा की दो वैरायटीज ज्यादा प्रचलित है ना, एक होता है आपका पेरिनेटा अमेरिकाना और दूसरा होता है आपका ब्लाटा ओरेंटेलिस, दूसरा क्या होता है आपका ब्लाटा ओरेंटेलिस, ब्लाटा ओरियन ओरियन टेलिस, ये होता है एक और होता है ब्लाटा जर्मनिका, हाँ जर्मनिका भी होता है। इन दोनों में अगर कंपेयर करके देखा जाए तो इन दोनों में सबसे, दोनों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, अमेरिकाना, तो अमेरिकाना की लंबाई अधिक होती है और इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। इनमें मुख्य जो अंतर है, इसमें जो गुणसूत्र होता है 34 होता है और इसमें क्या होता है 2n होता है, 48 होता है, बस ये मेन अंतर। बाकी और भी अंतर है लेकिन जैसे एक ये हो गया कि इसके भाई जब गुणसूत्र में ही अंतर है तो कहीं ना कहीं दोनों तो अलग ही होंगे, है ना। इसमें जो है नर और मादा कोई नहीं उड़ सकता है प्लाटो ओरिएंटेड, लेकिन इसमें जो है दोनों उड़ सकते हैं थोड़ी दूर तक, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उड़ सकते हैं। अब ये कैसा जंतु है, रात्रि चर है या दिन चर है, तो ये जो आपका जंतु होता है ये होता है रात्रि चर होता है ना, ये रात में चलने वाला होता है, रात्रि चर, इसको बोलते हैं नॉकचरल बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो नॉकचरल बोलते हैं, नॉकचरल, नॉकचरल बोलते हैं, रात्रि चर होता है ठीक। अच्छा, इसका शरीर तीन भाग में बटा रहता है, कौन सा है, सिर, वच और उधर, आपने देखा ही। इसका जो बाह्य कंकाल होता है ये किस, काइटिन का होता है और काइटिन के साथ में लाइकोप्रोटीन भी मिला रहता है। मान लो कभी दो ऑप्शन में मिल जाए इस तरह से, काइटिन और लाइकोप्रोटीन, तो दोनों को टिक करना, अगर लाइकोप्रोटीन नहीं तो केवल काइटिन को ही टिक करना, है ना, इतना क्लियर है। फिर अगर कॉकरोच के शरीर की बात किया जाए तो कॉकरोच में तो चलो ब्लड की, हाँ ब्लड क्या होता है, सफेद होता है, सफेद क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि हीमोसाइलिन पाया जाता है, साइलिन होता है, हीमोसाइलिन, साइलिन, हाँ हीमोसाइलिन, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, हीमोग्लोबिन,
लिंग एल वाई टी एच, तो इसमें हीमोसाइनिन या हीमोलिंग पाया जाता है, इसलिए इसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, मतलब इसमें रेड नहीं होता है। क्लियर है? फिर इसके आगे अगर बात करें तो इसमें अगर नर और मादा का अप्रोच में अंतर देखा जाए, उसे पूछा तो नहीं जाता है ना, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है कि नर का अप्रोच जो होता है उसमें गुदीय कंटिकाएं होती है, नर का अप्रोच में गुदीय कंटिकाएं होती है लेकिन मादा का अप्रोच में नहीं होती है ना। ये बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो पूछ सकते हो आप, ये देख सकते। अच्छा बात करें काकरोच का पाचन तंत्र किससे बना होता है, तो नर काकरोच में सर क्या होता है, नर काकरोच में गुदीय जी है ना तंत्र पाए जाते हैं या गुदीय कंटिकाएं पाई जाती है, लेकिन मादा काकरोच में चीज नहीं होती है। अच्छा यहाँ बात करें काकरोच का पाचन तंत्र आहार नाल और लार तंत्र से बना होता है, आहार नाल और जो है लार तंत्र से बना होता है, काकरोच का जो है पाचन तंत्र इससे बना होता है। ठीक, अब इसके अगर आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ इसमें ब्लड सर्कुलेशन तंत्र कैसा होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है खुला प्रकार का होता है, तो इसमें क्या होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। अच्छा केचुए में कैसा होता था, बंद होता है, और इसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, खुला होता है। श्वसन क्रिया किससे होता है, इसमें टैकिया के द्वारा होता है ना। श्वसन अगर बात किया जाए तो कोई भी कीट होगा, जनरली कीट में श्वसन जो होता है ट्रैकिया, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली, ट्रैकिया या श्वास नली या श्वसन हाँ वो तो भाई अगर ये अस्थल जनरली अस्थल पर ही तो रहता है, लेकिन अगर ये क्रोम की बात करें तो ये जल में, मतलब ऐसे तो जब ये जल में रहते हैं तो इसके द्वारा करते हैं है ना क्रोम, लेकिन जनरली यही आपका पूछा है, जैसे ये ऑप्शन में रहता है ट्रैकिया या श्वास नली या जो इसी को आप कह सकते हो श्वसन नली है ना। फिर इसमें भी आता है कि नर का अप्रोच के भाव जनना क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें पुरानी है ना, बस विरसण होते हैं, शुक्रवाहिनिया होते हैं, इसमें नर का बस यहाँ पर फैलिक ग्रंथ होती है, ये चीज कहते हैं है ना। नर का अप्रोच में या नर जननांग की बात किया जाए, इसमें फैलिक ग्रंथ होती है, जननांग की बात करें तो कौन सी ग्रंथ होती है, फैलिक ग्रंथि, और जबकि केचुए में कौन सी ग्रंथि थी, तो आपने देखा था प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, केचुए में कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना, तो इसमें जो है प्रोस्टेट ग्रंथ नहीं बल्कि फैलिक ग्रंथि होती है। ठीक, फिर इसके बाद अगर आगे चले तो जैसे अगर आप इसकी कंपेयर मान लो खरगोश से करना चाहो है ना, खरगोश से करना चाहो तो दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर खरगोश से करोगे तो क्या होगा, खरगोश में सी कम पाया जाता है, खरगोश में हाँ एक ये बहुत अंतर है आपका बड़े चीज है, खरगोश में सी कम पाया जाता है, और सी कम की वजह से खरगोश क्या करते हैं, खरगोश क्या करते हैं, खरगोश को सेलुलोज का भी पाचन कर सकते हैं, और सेलुलोज का पाचन करने की वजह से ये खरगोश होते हैं आपके, है ना, क्या क्या खा सकते हैं, मतलब हर चीज खा सकते हैं, सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, क्लियर है ना, मतलब हर चीज का छिलका खा सकते हैं, हाँ ये हर चीज का छिलका खा सकते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी छिलका होगा तो छिलका कहीं ना कहीं पादप कोशिका है, और पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, तो इसमें सेलुलोज को पाचन करने के लिए खरगोश में होता है सीकम है ना, ये खरगोश का है ना, हाँ खरगोश में चूहे में जितने कुतरने वाले हैं लगभग समय पाया जाता है ना, सीकम होता है, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं, एक चीज और है, इसके काकरोच के देह गुहा को कहते हैं हीमोसील कहते हैं, हीमोसील
अगर बात करें हीमोसील होता क्या है, तो हीमोसील होता है काकरोच के देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। काकरोच के देह गुहा को क्या कहा जाता है? हीमोसील कहा जाता है। काकरोच में जो देह गुहा होता है उसको हीमोसील कहा जाता है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन वैसे पूछ रहे हैं, ठीक बस भाई को गुरु जी देखो यहाँ पर एक बात आया है आपका, एलरी ग्रंथियां 13। तो ये एलरी ग्रंथियां ये कितनी होती है? 13 जोड़ी होती है। 13 जोड़ी का मतलब 26 होती है ना। एलरी ग्रंथियां कितनी होती? 13 जोड़ी होती। चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओगे? जी चलिए बताइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, बताइए काकरोच एवं अन्य कीटों में, काकरोच या अन्य कीटों में जो ओटो वाहक श्वसन रंगा, ध्यान देना ओटो वाहक श्वसन रंगा, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन होता है कि हीमोसाइनिन होता है या हीमो एरिथ्रिन होता है या कोई नहीं होता। इसका ब्लड का रंग कैसा है? सफेद है ना। तो अगर इसमें लेकिन सर हीमोसाइनिन जो आप हीमोसाइनिन पाया जाता है, लेकिन ओटो वाहक श्वसन रंगा में अगर देखा जाए है ना, अगर इनमें से कोई मतलब हीमोसाइनिन आपका गलत नहीं है, सही है, लेकिन यह क्वेश्चन के अनुसार भी तो देखना है। जैसे अगला एक क्वेश्चन ही बताओ, काकरोच एवं अन्य कीटों के जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ये नहीं दिखा पाया गया ना, उत्सर्जी अंग जो होते हैं ना क्या नेफ्रिडिया होते हैं? बोलो कंफर्म हो नेफ्रिडिया को लेकर? तो इसमें नेफ्रिडिया लेकिन नहीं होता है, नेफ्रिडिया तो उसमें होता है। काकरोच रात्रिचर होते हैं सर, शायद केचुए में होता है। हां प्लेटिया ये चीज नहीं होता है। अब यहां देखो काकरोच एवं अन्य कीटों के जो उत्सर्जी अंग होते हैं, पहला है ट्रेकी, दूसरा नेफ्रिडिया, तीसरा हेपेटिक सीका और चौथा है मैलपिगिनल का। ये होता है, ध्यान देना, लिख लो मैलपिगी नलिकाएं या ग्रीन ग्रंथि से होते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ना। ये सर क्या है, कौन से ग्रंथि? ग्रीन ग्रंथि सर। ये क्या चीज है मैलपिगी नलिकाएं? उत्सर्जी अंग, यही पर लिख लेना उत्सर्जी अंग। काकरोच का ये क्या कहलाता है? उत्सर्जी अंग कहलाता है ना, उत्सर्जी। आगे बताओ और काकरोच में मैल पीघी नलिकाओं का काम क्या है? उत्सर्जन, जल संतुलन और हीमोयोसिस। अगर तीनों साथ में तो भाई साहब, रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला वाला किसमें पाया जाता है? तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र काकरोच में और केचुए में कैसा होता है? बंद होता है। आगे ये पेरिप्लेनेटा के जीवन चक्र जो होता है, इसमें जीवन चक्र में कायांतरण नहीं होता है, पूर्ण कायांतरण नहीं होता है, अपूर्ण कायांतरण नहीं होता है, या जो है जटिल कायांतरण होता है। तो इसमें ये चीज याद रखना, अब ये जीवन चक्र तो पढ़ाया नहीं गया है ना, पेरिप्लेनेटा के जीवन चक्र में जो अपूर्ण कायांतरण होता है, ये चीज चाहो तो आप देख सकते हो या याद रखो पेरिप्लेनेटा के जीवन चक्र में, के जीवन चक्र में अपूर्ण कायांतरण होता है, अपूर्ण कायांतरण होता है ना, ये चीज हो गया आपका अपूर्ण कायांतरण होता है। आगे बताओ जरा सर, ओमेटिडिया है ना, नए नए शब्द, ये जूलॉजी बॉटनी भैया उसमें ऐसे नए नए शब्द अभी इसमें फिर भी कम, लेकिन बॉटनी में तो बिल्कुल एकदम अजीब हो गई, ऐसे पता नहीं किस ग्रह से आ जाते हैं सर। आगे ओमेटिडिया आंखों में पाया जाता है, अस्तनियों की आंखों में,
कीटों की आंखों में, पक्षियों या उभयचरों में किसमें पाया जाता है? तो कीटों में स्वाभाविक है भाई, जब कीटों आप पढ़ रहे हैं तो कीटों में। कॉकरोच की लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में ट्रिप्सिन एमाइलेज पेप्सिन लाइपेज। तो कॉकरोच की लार में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज है ना, तो इसमें जो है लार में एमाइलेज एंजाइम। लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम, है ना, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। आगे बताइए, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना और ब्लाटा वरेंटेलिस दोनों में मूल अंतर होता है पंखों की लंबाई को लेकर, शरीर की माप को लेकर, एंटीनी की लंबाई को लेकर, या जो जीवन वृत्त को लेकर, पंखों की लंबाई को लेकर, तो पंखों की लंबाई को लेकर अंतर होता है इन सब में देखा जाए। और ये बताओ कोलेप्टेरियल ग्रंथि पाई जाती है नर कॉकरोच में या मादा कॉकरोच में, किस में पाई जाती है? मादा कॉकरोच में पाई जाती है। क्या सर? कोलेप्टेरियल ग्रंथि जो है मादा कॉकरोच में पाई जाती है, है ना। अब यहां से एक बार ये सारा रिपीट कर लो पहले नंबर, है ना। चलिए फिर इसमें बताइए, सबसे पहले हम पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, तिलचट्टा को और क्या कहते हैं? कॉकरोच। और क्या कहते हैं? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, और एक और होता है ब्लाटा वरेंटेलिस। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में टूएन की संख्या कितनी होती है? 34 होती है। ब्लाटा वरेंटेलिस 48 होती है। एक एक है ना, बताओ थोड़ा। चलो तिलचट्टा किस संघ में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में। सबसे बड़ा संघ कौन? आर्थ्रोपोडा। किस संघ को कीटों का संघ कहा जाता है? आर्थ्रोपोडा को। इसका वर्ग क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा है। कोई बोलना मत, आप दोनों बोलना केवल जी, आप दोनों सुनना। चलो बताओ कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है ना, कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। एंटीमोफिली। कॉकरोच कैसा जंतु है? रात्रिचर। इसमें जो है उत्सर्जी अंग कौन सा पाया जाता है? मैलपीगी। मैलपीगी नलिका या ग्रहण ग्रंथि। आगे बताओ, इधर इसका खून सफेद होता है, क्यों होता है? सर हीमोसाइनिन की वजह से। इसका जगत क्या है? जंतु जगत या एनिमल। कितने जोड़ी पैर पाया जाता है? कितने जोड़ी पंख पाया जाता है? दो जोड़ी। शरीर द्विपार्श्वित होता है? द्विपार्श्वित। मनुष्य क्या है? मनुष्य द्विपार्श्वित है ना। मनुष्य एक लिंगी है, द्विलिंगी है, एक लिंगी है। आगे बताओ, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में गुणसूत्र की संख्या 34 और ब्लाटा वरेंटेलिस में 48। कॉकरोच का बाह्य कंकाल को क्या कहते हैं? काइटिन। काइटिन और इसके साथ और किससे बना होता है? लाइकोप्रोटीन से भी बना। हीमोसील क्या होता है? कॉकरोच के देह गुहा। देह गुहा हीमोसील कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां कितनी होती है? 13 जोड़ी। पाचन तंत्र किससे बना होता है? आहार नाल और नाल ग्रंथि से। इसका शरीर कितने भाग में विभाजित है? 3 खंडों में। कौन कौन? सिर व उदर। सिर व और उदर। इसकी गण ऑर्डर क्या है? आर्थ्रोप्टेरा। आर्थ्रोप्टेरा है। पाचन और कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र। अच्छा बताओ, ये बताओ श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को और क्या कहते हैं? श्वास। लेकिन जलीय में किसके द्वारा होता है? क्लोरोम के द्वारा। नर जननांग में कौन सी ग्रंथि? फैलिक ग्रंथि। कॉकरोच के लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है। कॉकरोच कैसा जंतु है? रात्रिचर। अरे बहुकोशिकीय जंतु है, रात्रिचर जंतु है, सही है। और कॉकरोच में उपांग कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं ना जी सर। पेरिप्लेनेटा के जीवन में है ना, जो जीवन चक्र होता है, कायांतरण कैसा होता है? अपूर्ण होता है ना। अब बताओ कुछ क्वेश्चन ऐसे बताओ, कॉकरोच में अन्य कीटों में ओटू वाहक श्वसन रंगा नहीं पाया? अरे नहीं पाया, इनमें से कोई नहीं। कॉकरोच में अन्य कीटों के उत्सर्जी अंग कौन है? परिसंचरण तंत्र कैसा पाया? बंद प्रकार का। ओके।